छत्तीसगढ़ में ईडी ने कस्टम मिलिंग स्कैम में मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी सहित 5 पर एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि 140 करोड़ की अवैध वसूली की गई। इसमें अफसरों से लेकर मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तक शामिल है। विधानसभा में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा कहा थे कि कस्टम मिलिंग में प्रति टन 20 रुपए वसूली की जाती है। एसीबी अफसरों के मुताबिक आरोपी अफसरों और मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। कार्यवाहियों के अनुसार मनोज सोनी और उनके सहयोगियों का खेल 15 माह से चल रहा है। इसके लिए पूरी टीम बनाई गई थी। टीम में मार्कफेड के अफसर और छत्तीसगढ़ स्टेट इन मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल थे। आरोप है कि कस्टम मिलिंग डीओ काटने, मोटा धान को पतला, पतले धान को मोटा करने, एफसीआई को नॉन में कन्वर्ट करने का पैसा लिया जाता था। ईडी की जांच में यह पाया गया है कि तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर प्रीतिका पूजा केरकेट्टा को मनोज सोनी ने दहन चंद्राकर के माध्यम से निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि उन्हीं राइस मिलर्स के बिल का भुगतान किया जाना है जिन्होंने वसूली की राशि रोशन चंद्राकर को दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज।